नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जॉली ग्रैंड प्रॉपर्टीज में। अभी हम चल रहे हैं हरिद्वार रोड में और हरिद्वार से देहरादून की तरफ चल रहे हैं। हमारी जो लोकेशन है वो है लाल तप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया। लाल तप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया में दोनों तरफ इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो प्लॉट जो आप ढूंढ रहे हैं ना, तो प्लॉट की आपकी तलाश खत्म होने वाली है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आज जो मैं आपको प्लॉट का ऑप्शन दिखाने वाला हूँ उसे आप अच्छे से समझें, पहले आसपास का एरिया देखें, उसके बाद प्लॉट देखें और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ये अभी हम लाल तप्पड़ में ही हैं, हमारे लेफ्ट साइड में है सॉल्टेक, राइट साइड में है यूरेका, फ्लेक्स फूड, बहुत सारी कंपनीज हैं, मोचिको। तो रोजगार के साधन यहाँ काफी उपलब्ध हैं। यहाँ से अगर मैं सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूँ तो देहरादून की टोटल डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है और यहाँ से हरिद्वार की टोटल डिस्टेंस भी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। एकदम खुशनुमा मौसम, अच्छी बसावट, इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसका बेनिफिट तो ज़रूर मिलता ही है जगह को। यहाँ बहुत सी बिल्डिंग बनी है जहाँ किराए के लिए कमरे बना के रखे हैं, टेनेंट्स रहते हैं और अब भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ उपलब्ध है। इंडस्ट्रीज से जैसे ही हम थोड़ा आगे निकल के आते हैं तो यहाँ पर फन वैली है, वाटर पार्क, ये सभी चीजें माजरी ग्रांट में ही उपलब्ध है। हमारे राइट साइड में फन वैली वाटर पार्क है। अच्छे रेस्टोरों हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अगर आप देहरादून के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ये लोकेशन मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। कि अगर आप देहरादून में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो कैसी जगह में आपको शिफ्ट होना चाहिए, ये वो जगह है कि जहां आप आके अपना घर बना सकते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में है उत्तरांचल डेंटल कॉलेज, ये उत्तरांचल डेंटल कॉलेज है और उत्तरांचल डेंटल कॉलेज के पास से ही एक सड़क चली जाती है। हमें इस सड़क में अंदर जाना है। कंस्ट्रक्टेड रोड ये लगभग 16 फीट की है और सजरे में ये सड़क 40 फीट की है, तो जो गवर्नमेंट रोड है वो 40 फीट की है, कंस्ट्रक्टेड कम है। ट्रिप मैंने जीरो कर दी है ताकि प्लॉट में पहुंचने पे हम देख सकें कि टोटल कितना किलोमीटर यहाँ से एरिया में पड़ा है।
राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये किराए के पर्पस से बनाई गई है, तो किराएदार यहाँ रहते हैं, सभी कमरे लगभग भरे हुए हैं। लगभग 300 मीटर चलने के बाद हमारे ठीक सामने है होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। CBSE बोर्ड का एक अच्छा स्कूल ये हमारे लेफ्ट साइड में। यहीं पर होली एंजल स्कूल के थोड़ा सा आगे एक 80 गज का प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी वीडियो पहले भी चैनल में अपलोड हो चुकी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको 80 गज के प्लॉट की उसमें मिल जाएगी। ये सड़क जा रही है ये लेफ्ट साइड से हमारे, हाई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीन प्लॉट है। आप एक बार एरिया देखिए, एकदम शांत एरिया है, अच्छा एरिया है, रहने और घर बनाने के हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट। इंडस्ट्रियल एरिया से चले हुए हमें लगभग 6 मिनट का समय हो चुका है और नेशनल हाईवे से हम लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं। वो सामने ठीक लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की है। कंस्ट्रक्टेड रोड यहाँ पे आपको मिल जाती है माजरी ग्रांट में, अच्छी बसावट आपको माजरी ग्रांट में मिल जाती है, चाहे आपको घर बनाने के लिए चाहिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो, तो माजरी ग्रांट एक बढ़िया आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। ये जो सीधी रोड जा रही है ये सीधी रोड चली जाती है फतेहपुर टांडा की तरफ और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न। हमारे लेफ्ट टर्न लेते ही आसपास अच्छे घर आपको बने हुए दिख जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया पास में है, डेंटल कॉलेज पास है, इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज, हिमालयी आयुर्वेदिक कॉलेज नज़दीक में है। स्कूल की बात करें तो होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द क्राइस्ट स्कूल, ये सभी नज़दीक हैं। तो चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात हो या फिर स्कूलिंग की बात हो, आपको सभी सुविधाएं माजरी ग्रांट में मिल जाती हैं। हमें लगभग 9 मिनट का समय हो चुका है इंडस्ट्रियल एरिया से चले हुए। तो मतलब ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि हमें टोटल कितना समय लगा इंडस्ट्रियल एरिया से प्लॉट में पहुंचने में, और हाईवे से बात करें तो मुश्किल से 2 मिनट का समय हुआ है। मात्र 2 मिनट के अंदर आप नेशनल हाईवे से और अपने प्लॉट की तरफ पहुंचने वाले हैं। सजरे में ये सड़क 30 फीट की है, कंस्ट्रक्टेड रोड लगभग 16 फीट की है। बहुत अच्छी बसावट है, दोनों तरफ अच्छे घर बने हुए हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने प्लॉट में।
ये यहाँ पे 20 फीट की रोड, जो हाईवे से हमारे किलोमीटर है वो लगभग 2300 मीटर, एग्जैक्ट 2300 मीटर में हम अपने प्लॉट में पहुंच चुके हैं। ये 20 फीट की रोड यहाँ पे, ये रोड से लगता हुआ प्लॉट अवेलेबल है सेल में, जिसमें एक रोड ये है 20 फीट की और दूसरी रोड जहाँ से ये बाइक जा रही है मेन 30 फीट की रोड। तो यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएंगे। जो ये प्लॉट है फ्रंट का लगता हुआ, ये 400 गज का प्लॉट आपको इसमें मिनिमम मिलेगा। ये सड़क भी सीधा हरिद्वार रोड में कनेक्ट करती है और एक तरफ से फतेहपुर टांडा में कनेक्ट करती है। जो ये फ्रंट है इसमें लगता हुआ, ये लगभग 55 फीट का है और यहाँ पे आपको 20 फीट की रोड में प्लॉट मिल जाएंगे। रोड से टच आसपास में घर बने हुए हैं, बसावट अच्छी है, बिजली पानी की कोई समस्या यहाँ नहीं है, कोई हाई टेंशन नहीं है दूर दूर तक। तो एक अच्छा ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन घर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ से 2300 मीटर की दूरी है हरिद्वार रोड की और लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगा हमें हरिद्वार रोड से प्लॉट में पहुंचने में। नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है, और जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस प्लॉट की, तो ये आपको ईस्ट फेसिंग में आपको मिल जाएगी 30 फीट की गवर्नमेंट रोड और नॉर्थ फेसिंग में आपको मिल जाएगी 20 फीट की प्लॉटिंग के अंदर रोड। तो लगभग 400 गज आपको इसमें स्टार्टिंग में मिलेगा जो रोड से लगता हुआ है, उसके पीछे भी आप 55 डेप्थ के इसमें प्लॉट ले सकते हैं। कुछ प्लॉट इसमें अवेलेबल हैं, फ्रंट आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रोड से लगता हुआ प्लॉट है वो आपको लगभग 400 गज का ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल पाएगा। बसावट आप देख लीजिए, घर बने हुए हैं आसपास में। तो ये डिटेल्ड वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये है कि आपके सारे डाउट क्लियर हों। आपको अगर आप प्लॉट में विज़िट करने आ रहे हैं तो आपको पहले से पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ देखने जा रहे हैं। तो इस डिटेल्ड वीडियो के बाद ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है कि आपके मन में कोई डाउट रहे। अगर फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। प्लॉट में विज़िट करना चाहते हैं विज़िट कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रकार की डील्स बहुत कम आती हैं, बहुत कम ऐसे प्लॉट्स आते हैं। ये रोड से लगता हुआ प्लॉट, एक तरफ 20 फीट की चौड़ी रोड और दूसरी तरफ 30 फीट की गवर्नमेंट रोड। तो ये एक ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब हम यहाँ से एक बार निकलते हैं और एक दूसरे रास्ते से हरिद्वार रोड की तरफ चलते हैं। ट्रिप हम कर देते हैं फिर से डाउन, जीरो में सेट करने के बाद। हम हरिद्वार रोड दूसरी लिंक रोड से एक बार एक्सेस करेंगे कि कितना किलोमीटर हमें हरिद्वार रोड की डिस्टेंस पड़ेगी और कितने मिनट का समय हमें लगेगा हरिद्वार रोड में पहुंचने में।
और इसके अलावा रास्ते में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया से आते हुए हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमें फन वैली मिला, इसके अलावा डेंटल कॉलेज देखने को मिला हमें। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, राइट टर्न लेने के बाद भी हम हरिद्वार रोड ही पहुँच जाते हैं। तो अब हम वापस हरिद्वार रोड की तरफ चल पड़े हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, पूरा ध्यान से देख लिया, तो एक तो आप एरिया को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई किस तरीके का एरिया है, क्या यहाँ चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके की बसावट है, ये सभी चीज़ें आपकी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हम स्ट्रेट गए थे, अब हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है यहाँ से। बिल्कुल बढ़िया एरिया है, घर बने हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ ना हो, जी नहीं, घर बने हुए हैं। और रास्ते में हमें बहुत जगह प्लॉटिंग भी देखने को मिल जाती है कि बहुत से खेतों में प्लॉटिंग हो रखी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बसावट और ज़्यादा होने वाली है, यहाँ जितनी बसावट अभी है इससे ज़्यादा होने वाली है। बसावट ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो लंबी वीडियो तो भाई देखनी पड़ेगी। अभी हम माजरी ग्रांट में ही हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया हम देख चुके हैं, डेंटल कॉलेज हम देख चुके हैं, फन वैली हम देख चुके हैं, होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम अपने सामने देख चुके हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड का बिल्डिंग हम देख चुके हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं अभी, और अपने प्लॉट से हम शेरगढ़ रोड में पहुंच चुके हैं। ये आ गई शेरगढ़ रोड, जो सीधा जाके कनेक्ट कर जाएगी हरिद्वार रोड में। स्कूलिंग के लिए अच्छे स्कूल आसपास में ही उपलब्ध हैं, कॉलेजेस अगर आपको आगे करना है। इसके अलावा इन कॉलेजेस के अलावा स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी नज़दीक में है, दून इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नज़दीक में है श्यामपुर में। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा दूर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें हमें नज़दीक में ही मिल जाती हैं। तो अभी हम एक चक्कर लगा के आ रहे हैं, एरिया भी विजिट हो गया हमारा, प्लॉट भी हमने देख लिया और धीरे धीरे हमारे डाउट भी साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो एरिया है ना, ये पूरा रिजर्व्ड एरिया है, पूरा जंगल का एरिया। और राइट साइड में जो एरिया है, यहाँ पे लोग बाग की ज़मीनें हैं, घर हैं। काफ़ी हरा हरा एरिया है, इलाका है।
शेरगढ़ रोड जो सीधा फतेहपुर टांडा में जाके मिलेगी। लगभग 2.5 किलोमीटर हम अभी अपने प्लॉट से शेरगढ़ रोड में चल चुके हैं। अच्छे सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। बसावट की कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि माजरी अंडर डेवलप एरिया है तो ऐसा नहीं है, अंडर डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। और जिस तरीके के घर, जिस तरीके की बिल्डिंगें माजरी में है इस वक्त और जिस तरीके की चीज़ें माजरी में हैं शायद ही और कहीं हो। और ये हमारे राइट साइड में है क्राइस्ट स्कूल। तीन किलोमीटर तो एक स्कूल लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में प्लॉट से था और दूसरा स्कूल लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्कूल प्लॉट से अवेलेबल है। ये हम आ चुके हैं फतेहपुर टांडा में और क्राइस्ट स्कूल से कुछ ही दूर जाके हिमालयी आयुर्वेदिक कॉलेज, यहाँ से जो लेफ्ट साइड रोड जा रही है ये हिमालयी आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ चली जाती है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से मुश्किल से 300 से 400 मीटर होगी। तो अभी हम फतेहपुर टांडा की तरफ अग्रसर हैं। दोनों तरफ बसावट चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे घर हैं यहाँ भी। यहाँ पर भी हमारे पास एक 105 गज का प्लॉट अवेलेबल है जो सेल में है। ये वाली रोड, इस रोड में हमारे पास 105 गज का एक प्लॉट है, 18 फीट की रोड में है, कंस्ट्रक्टेड रोड है, बसावट के बीच में है, छोटा प्लॉट, घर बनाने के लिए बेहतरीन। ये माजरी का गवर्नमेंट स्कूल, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज माजरी ग्रांट, राइट साइड में। तो हमने देख लिया है कि मात्र 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा एरिया ही घूम गए, सभी चीज़ें हमने देख ली। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे पीजी वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि नज़दीक में ही डेंटल कॉलेज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लस आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो पीजी वगैरह की ज़रूरत तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती ही है। एक और स्कूल यहाँ पर, हिमालयन पब्लिक स्कूल। तो स्कूल्स की कोई यहाँ कमी नहीं है, स्कूल्स यहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। ये माजरी ग्रांट फतेहपुर टांडा का एक छोटा सा मार्केट। दोनों तरफ आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी। तो 3 से 4 स्कूल हम अपने आसपास में ही देख चुके हैं, जो टोटल किलोमीटर हम अभी तक तय कर चुके हैं वो है 5 किलोमीटर हम अपने प्लॉट से इस तरफ चल चुके हैं। और ये ठीक सामने है हरिद्वार रोड। ये हम हरिद्वार रोड में अब पहुंच चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैंने जो भी आपको जानकारी दी है आप उससे संतुष्ट होंगे। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, एक एरिया का ओवरव्यू हम ले चुके हैं,
और ये हम हरिद्वार से देहरादून की तरफ अब चल रहे हैं, और नेशनल हाईवे से डिस्टेंस हम चेक कर चुके हैं, लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रही है यहाँ से जिस रास्ते से हम आए हैं, और लगभग 2200 मीटर की डिस्टेंस थी हमारी नेशनल हाईवे से प्लॉट में। रोड से लगता हुआ प्लॉट, बहुत कम ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। रेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा, जेन्युइन रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। हम अच्छी क्वालिटी के साथ गारंटीड कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर का नक्शा बनाने से लेकर घर में फिनिशिंग के सभी कार्य हमारे द्वारा ही किए जाते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जिसमें आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, इसके अलावा अच्छे मिस्त्री हमारे पास हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हों, चाहे ब्रिक वर्क के हों, चाहे लकड़ी के काम के हो, या इसके अलावा फॉल सीलिंग का काम हो, मॉड्यूलर किचन का काम हो, कोई भी काम हो, तो हमारे पास सभी तरह के कारीगर उपलब्ध हैं। तो हमें ज़रूर एक बार आप मौका दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेट ज़रूर चेक करें, प्लॉट में विजिट करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, वीडियो को मैं विराम देता हूँ और जल्दी मिलते हैं किसी नई प्रॉपर्टी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ देखते रहें, बने रहें जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।